गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस साइड देवेंद्र विजय, योर कंप्यूटर टीचर एंड इन कंप्यूटर लेसन नंबर 5, दैट इज लिस्ट एंड इमेज इन HTML इज गोइंग ऑन। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस डे टॉपिक, दैट इज एट्रीब्यूट्स of image in HTML, and these attributes are height, width, h space, v space are there. So I am going to revise these attributes. So let us start. First of all, attributes of img tag. Student, attributes of img tag are src, align, alt, width, height, h space and v space. These are the attributes of img tag. First of all, I am going to revise src attribute. SRC attribute is used to insert image in the web page, and here SRC attribute is used to specify the location of the image. ये image की location को भी specify करता है, कौन? SRC attribute. किस तरह से? img SRC equal to picture name, यहाँ पर img टैग है, उसके साथ src एट्रीब्यूट को जरूर लिखते हैं. src इज कंपल्सरी विद img टैग. ओके, तो img src इक्वल टू पिक्चर नेम, यानी विच फाइल यू वॉन्ट टू इंसर्ट इन html डॉक्यूमेंट. सो हेयर इज img src equal to principal.jpg. तो ये principal.jpg नाम की एक फाइल है जिसे हम वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं. स्टूडेंट, html के अंदर जो मोस्ट सूटेबल इमेज फॉर्मेट है वो कौन कौन से हैं? jpg और gif. तो आप भी इनको प्रेफर किया करें कि आपको कौन सी इमेज इंसर्ट करनी है, जेपीजी टाइप में होनी चाहिए उसका फॉर्मेट या जीआईएफ के अंदर. ओके, नेक्स्ट है अलाइन एट्रीब्यूट. अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द इमेज. आपकी इमेज लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, राइट साइड में भी हो सकती है और सेंटर में भी हो सकती है. ठीक है, तो आपको किस तरह का अलाइनमेंट देना है, यानी आपको अपनी जो फाइल है ये प्रिंसिपल डॉट जे पी जी, ये लेफ्ट साइड में रखनी है, राइट साइड में रखनी है या सेंटर के अंदर रखनी है. ये तीन इसके टाइप हैं अलाइनमेंट के. तो अलाइनमेंट, अलाइन इज यूज टू अलाइन द इमेज, और इमेज कैन बी अलाइन लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर. Now I am going to revise how we will use these attribute. Which one? SRC, align and alt attribute. Student, first we will write the head part, after that we will write the body part. Text equal to red means text ki ka color hoga wo red hoga. Now img tag, img src, img src equal to sy.jpg means sy.jpg नाम की फाइल वेब पेज पर इंसर्ट होगी, जिसका अलाइनमेंट कैसा होगा? लेफ्ट होगा. यहां पर अलाइनमेंट राइट भी कर सकता था, सेंटर भी कर सकता था. src sy.jpg, ये मैंने jpg फॉर्मेट के अंदर इस फाइल को सेव किया है. यदि आप कहीं इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं gif फाइल,
तो यहाँ पर एस वाई या जो भी फाइल नेम है उसका डॉट जी आई एफ लिखेंगे, और यदि जेपीजी फॉर्मेट में है तो आपको लिखना होगा डॉट जेपीजी, फुल फॉर्म लिखना होगा आपको फाइल का फुल नेम। ओके, आफ्टर दैट ऑल्ट इक्वल टू मिस्टर सुरेंद्र यादव। अब ये एस वाई डॉट जेपीजी है, ये हमारे प्रिंसिपल सर की फोटो है, तो इस फोटो के ऊपर जैसे ही आप माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, मिस्टर सुरेंद्र यादव। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग यूज्ड टू डिफाइन द विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। अब जो आपने एस वाई डॉट जे पी जी नाम की आपने फाइल ली है उसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, और ये विड्थ होती है जो इसकी यूनिट जो है, विड्थ की यूनिट है दैट इज इन पिक्सल्स, तो आपको पिक्सल्स के अंदर लिखनी होगी। इसका सिंटेक्स है आई एम जी एस आर सी, इमेज का नेम एस वाई डॉट जे पी जी, विड्थ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 50, 60, 80, 200। ओके, नेक्स्ट है हाइट एट्रीब्यूट ऑफ आई एम जी टैग इज यूज टू डिफाइन द हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल। ये इमेज आप जो ले रहे हो उसकी हाइट कितनी रखनी है आपको, तो आपका जो मॉनिटर सपोर्ट करता है दैट इज दैट सपोर्ट ओनली 768 पिक्सल्स, तो आपको जो आई एम जी हाइट लेनी है वो इससे कम ही लेनी है। आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू इमेज नेम एस वाई डॉट जे पी जी और हाइट इक्वल टू 50, इस तरह से। नेक्स्ट एच स्पेस होता है हॉरिजेंटल स्पेस, यानी आपकी जो इमेज आपने ली है उससे हॉरिजेंटल यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितनी स्पेस आपको छोड़नी है कि वो टेक्स्ट जो है वो इमेज को टच ना करे। इसी तरह जो वी स्पेस है वो आपको प्रोवाइड करता है क्या, वर्टिकल स्पेस, सेट द वर्टिकल स्पेस बिटवीन इमेज एंड द सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी जो आपने टेक्स्ट लिया है सॉरी जो इमेज ली है उसको ऊपर और नीचे कितनी कितनी स्पेस छोड़कर आपको टेक्स्ट लिखना है, जिससे वो टेक्स्ट अपर साइड में और लोअर साइड में उस इमेज से टच ना करे, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्पेस, वी स्पेस एट्रीब्यूट। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए, विड्थ आपने क्या लिखा है 100, यानी एस वाई डॉट जे पी जी नाम की जो फाइल है उसकी विड्थ कितनी होगी 100 पिक्सल्स, उसकी हाइट कितनी होगी 100 पिक्सल्स, एच स्पेस हॉरिजेंटल स्पेस 25 होगी, यानी इमेज से लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो स्पेस होगी वो कितनी दूर होगी टेक्स्ट की और टेक्स्ट और इमेज के बीच में 25 पिक्सल्स, तो यानी कि ये ब्लैंक स्पेस होगी 25, जैसे आप ये समझिए बॉर्डर, वाइट बॉर्डर चारों तरफ फोटो के चारों तरफ वाइट बॉर्डर, और वी स्पेस आपने लिखा है 25 पिक्सल्स, यानी वर्टिकल स्पेस, यानी फोटो के ऊपर और फोटो के नीचे आप कितनी स्पेस छोड़ रहे हैं 25, और लास्ट में बॉडी को क्लोज कर देंगे। सो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर रिविजन ऑफ प्रैक्टिकल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशीट 5 and 6 ऑफ दिस लेसन, सो लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 5। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस विच लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेट लिस्ट। विच लिस्ट हैज सीरियल नंबर इन फ्रंट ऑफ द लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के सामने, दैट इज ऑर्डर लिस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंसर्ट एंड इमेज इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर इमेज किस तरह से इंसर्ट आप कर सकते हैं, तो उसके लिए है बाय यूजिंग द आई एम जी एस आर सी इक्वल टू पिक्चर नेम, आई एम जी एस आर सी इक्वल टू पिक्चर नेम।
नेक्स्ट है मेंशन द आईएमजी टैग एट्रीब्यूट दैट आर यूज टू स्पेसिफाई स्पेस अराउंड द इमेज. तो दैट इज एच स्पेस, हॉरिजेंटल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस. तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, दे प्रोवाइड स्पेसिफिक स्पेस अराउंड द इमेज. नेक्स्ट है मेंशन द आईएमजी टैग एट्रीब्यूट दैट आर यूज टू स्पेसिफाई साइज ऑफ द इमेज इन ए वेब पेज. इमेज की जो साइज है उसको हम डिफाइन करते हैं कौन से एट्रीब्यूट से, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. कौन सा एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ. नेक्स्ट राइट डाउन टैग दैट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू अलाइन एन इमेज टू लेफ्ट और राइट ऑन द वेब पेज. तो उसके लिए अलाइन कौन सा करता है, अलाइन एट्रीब्यूट आई एम जी अलाइन इक्वल टू अलाइनमेंट और दिस अलाइनमेंट कैन बी लेफ्ट राइट और सेंटर. राइट द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट क्या काम करता है, इज यूज टू डिस्प्ले ब्रीफ मैसेज, यूज टू डिस्प्ले ए ब्रीफ मैसेज व्हेन द इमेज इज पॉइंटेड टू. जब इमेज के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो ब्रीफ मैसेज देने के काम आता है. जैसे सर की फोटो के पास ले जाएंगे तो क्या आएगा, मिस्टर सुरेंद्र यादव, ये अपने को लिखना होगा. नाउ वर्कशीट 6, आंसर द फॉलोइंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. तो सबसे पहले तो अपने को क्या बताना है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, फिर क्या बताना है, अनऑर्डर लिस्ट. ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड नंबर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट को क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट बोलते हैं. एन ऑर्डर लिस्ट है सीरियल नंबर, उसके सीरियल नंबर होते हैं. इन फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट आइटम, इन फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट आइटम, हर लिस्ट आइटम से पहले क्या होता है, सीरियल नंबर होता है. एन अनऑर्डर लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड बुलेट लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट को क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट होती है. और इसके क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम क्या होते हैं, इसमें सिंबल होते हैं. क्या होता है, सिंबल. एन अनऑर्डर लिस्ट है जे सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम, वहां तो नंबर होता है और यहां क्या होता है, सिंबल. राइट अबाउट लिस्ट आइटम टैग. लिस्ट आइटम टैग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल आई टैग से. द एल आई एंड एल आई टैग आर यूज टू क्रिएट लिस्ट आइटम इन एन ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट. दोनों लिस्ट के अंदर ही एल आई टैग यूज होता है लिस्ट आइटम को जनरेट करने के लिए. द टेक्स्ट इंक्लूज इन बिटवीन एल आई एंड एल आई पेयर ऑफ टैग बिकम एन आइटम इन द लिस्ट. एल आई और एल आई के बीच में लिखते हैं लिस्ट के जो भी आइटम है उसे. नेक्स्ट राइट अबाउट टैग एंड देयर एट्रीब्यूट दैट आर यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट. तो ऑर्डर लिस्ट को जनरेट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, द टैग यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इज ओएल, ओएल टैग, और ओएल से ही क्लोज करेंगे. और हर आइटम एंड देयर एट्रीब्यूट्स, आप देखिए, द टेक्स्ट इंक्लूज इन बिटवीन एल आई एंड एल आई पेयर टैग बिकम एन आइटम. और एल आई के बीच में कोई भी आइटम लिखेंगे वो उसका क्या बन जाता है, लिस्ट आइटम. राइट अबाउट टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स, तो दैट आर यूज टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग होता है, ओ एल टैग. यूज टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट इज ओ एल टैग. एवरी लिस्ट आइटम इज स्पेसिफाई विद इन दिस टैग यूजिंग द एल आई एंड एल आई. और ओ एल टैग के अंदर जो भी लिस्ट आइटम है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल आई से. द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट इज टाइप. अनऑर्डर लिस्ट का भी एट्रीब्यूट क्या है, टाइप. ऑर्डर लिस्ट का भी एट्रीब्यूट क्या है, टाइप. और टाइप ऑफ नंबरिंग कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ए बी सी सो ऑन. राइट अबाउट द टैग यूज टू इंसर्ट एंड इमेज इन ए वेब पेज. वेब पेज के अंदर इमेज किस तरह से यूज करेंगे, तो आई एम जी टैग विद एस आर सी एट्रीब्यूट इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन द वेब पेज. और इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट है दैट आर जे पी जी एंड जी आई एफ. ओके, द एट्रीब्यूट ऑफ आई एम जी टैग आर एस आर सी अलाइन विड्थ हाइट एच स्पेस एंड v space. These are the attributes of img
टैग, विच आर एस आर सी अलाइन विड्थ हाइट एच स्पेस वी स्पेस एंड ऑल्ट आल्सो ए एल टी ऑल्ट. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. आवर मिड टर्म सिलेबस हैव बीन कंप्लीट. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, बाय बाय.